अजीज़ों, मेरी तरफ़ से आप सबको मसीह यसु में बहुत सा सलाम। आज जो गवाही मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ उसका कुछ हिस्सा मैं अपनी पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। खुदा ने मुझे बेटा दिया लेकिन दूसरे दिन ही उसकी डेथ हो गई। तकरीबन 15 दिन बाद खुदा उनका पाखरू मुझसे हम कलाम हुआ कि जैसा बेटा मैंने तुझसे लिया है वैसा ही तुझे दूंगा। 7 साल बाद खुदावन ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा जिसे पाकर मैं और मेरा शौहर बहुत खुश थे। लेकिन मेरे दिल में एक बात बार बार आती थी कि खुदा ने तो बेटे का वादा किया था, फिर वो बेटी कैसे दे सकता है। ये नहीं कि मैं बेटी को पाकर खुश नहीं थी, मैं बेटी को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन मेरा ईमान था कि खुदावन खुदा जो अल्फाज कहता है उसे वो ज़रूर पूरा करता है। इसलिए मैंने ये बात अपने पास्टर जिनके चर्च हम जाते थे उनसे शेयर की। उन्होंने कहा, बेटी खुदा ने जो वादा आपके साथ किया है वो उसे ज़रूर पूरा करेगा, वो तुम्हें अपने वादे के मुताबिक ज़रूर बेटा देगा। खुदा ने बेटी तुम्हें तोहफे के तौर पर दी है। खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। जैसे ही मेरी बेटी 2 साल की हुई, खुदा उनका पाखरू जब मैं दुआ करती मुझसे हम कलाम होता कि मैं अपने वादे को पूरा करना चाहता हूँ, तुम्हें बेटे की बरकत देना चाहता हूँ। और खुदावंद खुदा ने मुझे ब्लेस किया, अपने वादे को पूरा करते हुए हमें बेटा दिया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए। ये सब उसकी मोहब्बत है जो उसने मुझ पर जाहिर की। मैं तो इस लायक ना थी। सारा इज्जत और जलाल मैं सिर्फ उसी के नाम को देती हूँ। खुदावंद खुदा आप सबको इस गवाही के वसीले से बड़ी बरकत दे। आमीन।